पानी की तंगी है रोड़ी चुकाओ पहले मन है तो। कई लोग तो पीड़ी मांगो पानी जानो पड़े कोई कोनी और 5 साल वोट दे बस कोई कोनी है अगला वोट ले जे मुर्गे मारे कौन टाट कोई कौन पूछे इत्ता विधायक होवे कदी सक्कर ले कौन दिखावे सुना अभी अपन आंखें कौन देखियो नहीं पर सुना आंख भी नेर में पड़ी आ गयो कोई नेतो हाथ का मां केंगे जको बो करवावे को थनता दियो माना कौन बुझ जाए काम कौन माल गावणो कोई ढंगो काम है नहीं कोर कौन से मजेन रहे तो। पीलीबंगा तहसील को गांव लिखमिसर जट है पेयजल को जो पानी है पेयजल को संकट अड़ है गहराइडो है क्योंकि अब नहरबंदी की शुरुआत हो चुकी है और वो गांव है जो लिखमिसर अठे पीने के पानी ने लेके है गांव का लोग त्रस्त है और हर साल अठे आ ही समस्या है नहरबंदी के दौरान गांव का लोग है जो बड़ा बुजुर्ग अभी बैठे अपन के बातचीत करांगा आऊँ जानांगा कितना टाइम हुआ ना समस्या आवला रही क्या नहरबंदी के दौरान यह समस्या या पहले से आना समस्या आवा लग रही है तो वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखे और वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया क्या नाम बताओ जी थारो ऋग्वीर है कितना टाइम रहे 14-15 साल हो गया 15 साल पहला खट रहता पहले गुरमानी रहता राव सर के अब मैंने यह बताओ ताऊ जी मैं सुने मतलब लिखमिसर गांव में है पीने के पानी ने है बहुत ज्यादा समस्या सही बात है क्या हां सही है झूठी थोड़ी का पानी पीने वाले माले के कुआं का पानी चल रहा है हैं ये समस्या ही है तो नहरबंदी के दौरान दिक्कत आ रही है कि सदा की दिक्कत ना नहरबंद हो रही जल्दी आवे अब आ जाओगे नहर को पानी अब सुनो अभी अपन आंखे कौन देखियो नहीं पर सुनो आंख भी नहर में पड़ी आ गयो के नहर वो तो सिंचाई को है पेयजल थोड़ी है अब सिंचाई को है तो जब आवे तो नहर की डिग्गी के मां नहर में से डिग्गी में आसी वो तो पेयजल तो अलग हो सिंचाई को अलग हो नहर में तो सिंचाई को चल रहे पेयजल तो लारू बंद है भाई अभी बात को मैंने बेरो कौन भी सिंचाई क्या नको और पेयजल क्या नको सिंचाई तो है खेता में आप पानी लगाओ अब्बा और पेयजल है जो आप पानी पिया करा वो सिंचाई और पेयजल को फर्क हुआ पानी दोनों का कितना टाइम चलेगी दिक्कत पीने का पानी और पीने को पानी को के समाधान कर लग रहे हो अब कह टाप दड़का जाइए ना दड़का है कह कभी आप सभी दान करांगा कभी भी आगे बात रखांगा भाई कोई नयो पानी छोड़े ना नहर के मैं जल्दी समस्या मिटेगी ये तो आइए चलती रहेगी तो अब घर में पानी किया मंगा रहे होते अब तो वाटर मुटी चल रहा है डिग्गी में हुआ वाटर बक्स मजे को कोई नहर की पीनी था जब आपके सिर पर गड़िया जाओ और पियो खटू लिया गड़िया डिग्गी में अच्छा डिग्गी में काट बटन काट लेने दे के हां डिग्गी में काट लेने दे पानी खड़े से गड्डी के बा डिग्गी री बो वाटर बॉक्स रे बो सामने दिखा पा अच्छा अच्छा वो वाटर बॉक्स बैठा है डिग्गी हां बैठा है डिग्गी तो मैं सुनो मतलब लोग टैंकरों भी मंगावा लाग रिया पानी आपा वगैरह में हां मंगावा घणा ही लेवे देखे के ना साधन है ना पानी जो पूरो पानी लागे तो टैंकर ही भर के जागे रे रिया 500 ले है अच्छा 500 रुपए लेवे टैंकर हां एक टैंकर का ले है दे कितना मंगाया टैंकर मैं तो ये कि कौन मंगा आपने तो डिग्गी 11 फुट की दना 3 काना एकर जो पूरी भरी जे तो आपने 6 महीने को नहीं आता है 6 महीने ही को नहीं हां पड़ोसी रह जा अपने गुंडा बापड़ा तो ताऊ जी नहरबंदी के दौरान हर साल आई समस्या आवे था हां आई समस्या आवे जब नहरबंदी आ जाए पानी क्या आवे नहरबंदी होवे जब ज्यादा दिक्कत आवे ही आवे तो कोई इतना टाइम हो आ रही है कोई स्थाई समाधान कोई जनप्रतिनिधि कोई थारा सरपंच या कोई विधायक कोई इस समस्या को समाधान करना है तो बोलिया को नहीं लार ला साल बोर करियो ओ इंगो पानी से याला ई अब नयो नयो करियो लार ला साल को इनो तो पहले बो पानी ठीक हो बात करा तो अब के कंडीशन है ताऊ ने दस ही है पानी की समस्या पर पानी साफ नहीं हो जिवे ताऊ दसदा है सोरा है वो समस्या ज्यादा है बीमार हो रहे लोग दस्त लग रही है ये पानी से लोग बीमार हो रहे हैं दस्त लग रही है दस्त लग रही है भाई हॉस्पिटल में लेके जाओ बाद में ना हॉस्पिटल नहीं वो मेडिकल तो दवाई लेने है तो ठीक हो जाता है क्या मतलब चुनाव आना रहा है ज्यादा टाइम को नहीं चुनाव के अंदर वोटा ने थोड़ा ही टाइम पड़ी है और थारा गांव की प्रमुख समस्या है पानी की तो वोटा ने टाइम के करेगा थे के आधार पर वोट देगा थे आप सरकार के हिसाब पर चुनागा थे देखो मैं तो बुजुर्ग बैठे बड़े बड़े जिम्मे कह मैं चल बड़ा इन्होंने मगर ये आखे भी चलो भाई आप रोकना इन्होंने रोकेंगे ठीक है उस हिसाब से चलेंगे वोट देवा सरकार बनावा एक उम्मीद के सागे बनावा कि भाई हमारी इस समस्या को समाधान होगा और थारी इस समस्या को समाधान तो जस को तस पड़े लाड़ ला 50 साल लाऊ तो अब क्या चुनाव में क्या करेगा ताऊ जी बात अब के बता तो क्या कोई नेतो हाथ का मैं कहेंगे जगह बो करवा को थनता दू माना कौन बुझ जाए ऐसा थोड़ा वहां पढ़िया लिखा है ए कैसी जिया होसी साडे को वोटा ले जांदे मुड़ के साडे को कोई आउंदा नहींगा दसा दे दे का तो कहते फिल्शन बांध दूंगा काया कर देंगा क्या बिया कर देंगा वो कर देंगा ओ कर देंगा के पर आप जाके कोई प्रधान बन गयो कोई एमएलए बन गयो कोई की बन गयो मुड़ के रोता फिरो बलाई अपना अठे पानी की समस्या देखते कितो टाइम हो गयो थाने पानी की समस्या देखते ने आए महीने आए हुंदा साल तो ना
आई हुंदा है। दो महीने की बंदी हो जाए ता जे डूलदी हो जाए ता मुड़ के आई से पर हर साल ही आ दिक्कत आई दिंदे आई की हिसाब नाल वोट देते की सोच के वोट पाए हैं तुसी वोट जिवें मांग रहे ने पा देने जिधर की सोचो आपां नूं आई नहीं सोचदा कोई रोटी थोड़ी हो तो वोट है सोच समझ के पाना चाहिए भेड़ चाल है जिधर दुनिया चल पे असी चल पे निर्बंध हो जाए डर गेड़ा ही दिक्कत कई कई लोग तो पीली मंगों पानी जानो पड़े पीली मंगों लेना हां हां पीली मंगों तो दूरी बहुत पड़ जाता है पड़ा तो तीस मर तो की करे तो क्या पड़ लेओ टैंकर रेट जे पीली मंगों 800 रुपए ले 800 रुपए लेवे टैंकर हां हां और 1000 लीटर पानी 1000 लीटर और एक गांव का जो 600 लीटर वगैरह भी मोरी में फर्क किया तो अटे मुक क्यों पानी जानो ही पड़े पानी अटे कोन घटो लेओ बठो लेओ नेर के पानी हर गेड़ा मतलब नेरबंदी के दौरान हर गेड़ा समस्या आवे समस्या समस्या सड़का सुड़का सारी समस्या समस्या है गांव सड़का की बात करा तो हां तो सारी समस्या समस्या अभी 2 मिनट रुके कौन सा हम मान लियो बस ए काम कौन माल गावण कोई डंगो काम है नहीं कर कौन सकनी कर कौन क्यों कौन कर सके डरे बाजीन डरे तो क्यों डरे केटा भी क्यों डरे गांव डरे गवर्नमेंट डरे क्यों डरे अब दे मनिया बताओ ताऊ जी अब नेरबंदी चला ले जमीन जमीन है के थारा जमीन तो है तो खेती को किया कर लाग रहे हो पानी पानी के अगर मोटर लगावा तो मोटर के पानी और नहर के पानी फर्क तो पड़ा ही है फर्क तो है बहुत के फर्क पड़े नुगे कौन कम हो गया मांग दे बात 5-7 दिन काटे बस तो अब नहरबंदी चल ला रही है 1.5-2 महीना चलेगी तो ये दौरान थे मतलब हर तीसरे दिन 800 रुपया मंगा के पीली मंगाऊ पानी मंगाओगे हां और वो जो बोर आरो पानी है वो पानी जच को बीमार है जे हूं दुख है गोड़ा दुखन ला जे जोर जोर दुखन ला जे सोरो है इमा सोरो है पानी के अंदर कितना टाइम पी रहे हो पानी 16 साल के मतलब वोट दिया लार लगे के सोच के वोट दिया थे बोर तो ध्यान दन तो सोच के जा भी काम कर दंगा दिए बाबू काम कौन करे करा के वो पूछे हो है कौन भाई बंदो अब क्या वोट आना रहे ज्यादा टाइम को नहीं के सोच के देऊगा वोट मैं तो डंगा आदमी देख कर देख लिया अब के बताओ कुछ पानी वाले समय कोनी मिले सड़क कोनी की कौन मारो डंग कत्ते दे दियो बोले बाबा अब चले बात ये बात करियो के होए मुख्य आदमी दे बाद में भी कान पकड़ के वो काम करा बिंद वोट दे तो थारे गांव में कोई आयो के विधायक जनप्रतिनिधि कोई कोई नहीं 5 साल वोट दे बस कोई कोनी है ताऊ जी थारो के नाम है सोनलाल सोनलाल जी कितना टाइम रे रहे मैं बचपन उठे ही बचपन के देखियो बचपन लेके अब तक की कौन देखे मान तो अगला वोट ले जे मुर्गे मारे कौन टाट यही कौन कहन भी ये के राम राम जी के मैं जाना ही कौन था ना के करा वोट देगी अच्छा वोट लिए बाद में जाना ही कौन था ना जाना ही कौन पानी की समस्या है थारे गांव में कितना टाइम बहुत साल हो गया कुए को पानी आवे और वाटर वर्क्स भी बढ़िया कोनी मां गंदगी बहुत ज्यादा है हर साल मतलब नेरबंदी के दौरान पीने के पानी की दिक्कत होवे हां पीने की समस्या आवे पानी पीने वाले की हर साल ही होवे गर्मियां के टाइम कितना टाइम रे रहे होते मेरा तो जन्म ही अठू ही के वोट देओ हर गेड़ा के सोच के वोट देओ जनप्रतिनिधि वोट तो यही सोच के देवा भी मार बढ़िया काम करे पर करे ही कोनी कदी मोहल्ला में आगे पूछे ही कोनी भाई थार के समस्या कदी पूछे अठे इतना गरीब लोग रेवे कोई कौन पूछे इतना विधायक होवे कदी सकली कौन दिखावे सकली कौन दिखाई वोट लेन तो आज है भाई वोट देओ है वोट तो ले लिया है एसी आला कनु वोट तो लेन आज है अब बैठे हमारे पार्क मने है हमारे सग इतना भेदभाव है हमारे बच्चा ने बड़े खेलन कौन दे टाबरा ने हाँ कौन कौन खेलन दे ताड़ा लगा रखे है पार्क में फिर खोल ले क्या मियो पार्क अच्छा पार्क में टाबरा ने कौन खेलन दे बाकी टाबर खेले आपका समाज का खेलन देवे बढ़न देवे पार्क में वोट लेन आले बाकी तो कौन कह भी मैं थार कनु वोट कौन ले हमारा समाज आला दे दे अड़ मुंह चक चक गया आज जे जत के करेगा चुनाव के अंदर के सोच के वोट देओगा मैं तो किन्ने वोट कौन दियो जे कोई विधायक आओ चे सरपंच आओ वोट ही कौन दियो क्यों भाई तो वोट दे के करनो है के करे हमारे बस तक की कौन करे तो पानी की समस्या का समाधान खतरे की बात होते मोलू मंगाओगे टैंकर पानी मैं तो ना वे जो तो मोली करावा पानी निसवे मटका लेके बैठो लेन जावा कितनी दूर हो लियो वाटर वर्क सो कम से कम है 3-4 मरबा तन पानी की तंगी है अड रोड़ी चखाओ पहला मन है और सारी बात है हां अड रोड़ी चखा दो मन और कई बात कोनी अच्छा अड रोड़ी में के है अड बात आवे अटक रोटी खाने की जी कोन करे भी पानी पीने की जी कोन करे इतनी गंदी बात आवे गंदी बात साहब हां जी तो सरपंच ने कौन कहयो के कदे थारे सरपंच ने कह दियो सारे ने कह दियो कोई कोन माने कोई माने ही कोनी कोई कोन माने क्यों भाई के बात अभी भाई मार करंग सारे एकदम अड्डा रोडी है मैं एसडीएम कलेक्टर तक एप्लीकेशन दे दी कणी कौन चकाई
तक सरपंच ने भी बहुत बारी कह दियो मारून तो होवे कौन नहीं कहे तो ठीक रहेगी क्यों कौन नहीं और घनी जगह पड़ी है गांव उबारे बैठे करवा सके मैं अठा जम्मा सारे रेवे मारा टाबर रेवे इतनी बांस आवे सामने हवा चल है जद ओहो पूरा मामलो आज पायडा है लिखमीसर गांव के अंदर और लिखमीसर गांव के अंदर पेयजल संकट की वजह से ग्रामीण कितना ज्यादा परेशान है। गाँव के अंदर सड़क की आप बात कर ले तो सड़क भी गाँव के अंदर कौन जिसकी वजह से ग्रामीण ने नित रोज अठे परेशानियों को सामना करना पड़े। बी के अलावा पेयजल संकट है गाँव के अंदर वो भी गहराड़ो है। नहरबंदी के दौरान गांव के लोगों ने मजबूरी के अंदर है जो टैंकर है गांव के अंदर जो आप घर के अंदर पानी गिरवाना पड़ लग रही है। बी के अलावा हड्डा रोडी की समस्या है गांव के अंदर भी प्रमुख समस्या है। तो वो पूरा मामलो वीडियो थाने किसी लगी वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो पास में देखे बेल आइकन के बटन ने दबा दो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हर गाँव में या आसपास में किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है ये नंबर पर थे माने फोन करो मैसेज करो मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज़ उठाऊंगा। अंतो माने दे इजाजत कैमरामैन रिहान के साथ मैं आशु जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।